हे गाइस, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो मेरे साथ ज़रूर से बने रहिएगा। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको गर्मी के टाइम पे, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ऑल टाइम पूरे मौसम नाक से खून आता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी के टाइम पे ज़्यादा नाक से खून आता है। तो जो गाँव के लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो गोबर से उपले बनाते हैं ना, तो उसको सुंघा देते हैं। मैंने देखा है कई बार, जब मैं गांव में रहती थी बहुत पहले, तो मैंने वो भी देखा है कि अगर नाक से खून आना शुरू हो जाए तो उसको लेटा देते हैं और फिर उसको जो गोबर से उपले बनते उसको सुंघा देते हैं, तो थोड़ा ब्लड कम हो जाता है। बट हर जगह तो ये अवेलेबल नहीं होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह अवेलेबल होती हैं। और नाक से खून ना आए, इसका उपाय भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। जी हाँ, तो अगर आप भी हैं ऐसी चीज़ों से परेशान, अगर आपको भी नाक से खून आता है और बवासीर से खून आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पाइल्स दो प्रकार का होता है, एक सूखा होता है और एक ऐसा होता है जब ब्लड आता है, राइट। तो अगर पाइल्स किसी को है और उनको ब्लड आता है, तो ये उनके लिए, और जिनको नाक से खून आता है उनके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए है, आगे बताऊंगी थोड़ा सा, आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। ओके, तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है सुगर कैन जूस। जी हाँ, यानी कि गन्ने का रस। तो गन्ने का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप भी अपनी लाइफ को और अपनी डाइट को अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एक बार ये सुगर कैन का जो जूस है ना, अपनी डाइट में शामिल करके देखिएगा। जी हाँ, आप डेली आधा ग्लास पी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको गर्म कर देगा। ओके, और ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लीवर की प्रॉब्लम जिसको भी है तो वो पी सकते हैं, और जिनको नाक से खून आता है या पाइल्स से आता है ब्लड, तो वो भी गन्ने का जूस अगर पियेंगे तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, नाक से खून आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, एक या दो बार के पीने से नहीं होगा, आपको थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट, 10 से 15 दिन तक। उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में आप पियो, ये नहीं कि फिर आप हैबिट बना लो, डेली आपको चाहिए ही। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू कर दो, फिर आप उसको कुछ गैप कर करके पियो, राइट, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप हाफ ग्लास या फुल ग्लास ले सकते हैं। गन्ने का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, ज़्यादातर तो लोग गर्मियों में पीते हैं क्योंकि उसकी तासीर होती है ठंडी। इसमें लेमन भी ऐड करके लोग इसके जूस में पीते हैं। ओके, बहुत सारे लोग पुदीने का रस भी ऐड करके पीते हैं, बहुत सारे लोग लेमन जूस ऐड करके पीते हैं, बट बहुत सारे लोग उसमें नमक भी ऐड करके पी लेते हैं। बट मैं बोलूँगी कि आप लोग ना सादा पियो। अगर आप लेमन जूस भी ऐड करके पीते हैं तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि लेमन में भी विटामिन सी होता है, राइट, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और आपको बता दूं कि जो सुगर कैन जूस होता है ना, इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है हर किसी के लिए। अब कैल्शियम से क्या प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, आप अगर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, क्योंकि मैं बहुत बार कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ें बता चुकी हूँ। और हाँ, आपको याद दिला दूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को प्रेस क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि अगर आपने प्रेस नहीं किया तो क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक नहीं पहुँचेगी और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। यस, राइट, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगे, अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। सो गाइज, ये जो शुगर कैन है, सुगर कैन
तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, डाइजेशन सिस्टम भी सही होता है। भाई जिस किसी का भी डाइजेशन सिस्टम हिला हुआ है, जिसको खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं तो। और ये दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि गन्ने से शुगर बनती है, गुड़ बनता है, तो इसमें मीठा रहता है तो दांतों के लिए हार्मफुल होगा, राइट? कितने लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं, अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं या गन्ने का जूस पीने के अलावा अगर आप गन्ने को ऐसे ही चबा चबा के खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जूस पीने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं, जूस निकलवा के उसका पीते हैं, तो क्या होता है ना कि डस्ट होती है और बचा हुआ गन्ने का रस उसमें होता है, या ग्लास अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे भी आती हैं। बट अगर आप गन्ने को चबा चबा के खाएंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि गन्ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, राइट? तो आपके दांतों की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी अगर आप चबा चबा के खाएंगे। और आपके मुंह से अगर बदबू आती है, बहुत सारे लोगों के मुंह से बास आती है, राइट? अब जिसको आती है उसको तो पता चलता नहीं है, जब सामने वाला होता है वो टोकता है तो पता चलता है कि मुंह से बदबू आ रही है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अगर आप गन्ने का जूस पिएंगे तो, और अगर आप गन्ना चबा चबा के खाएंगे तो और भी अच्छा है। तो ये बॉन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है गाइस। इसमें होता है मैग्नीशियम, इसमें होता है फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो गन्ने में पाए जाते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको जब भी आप गन्ने का जूस पीते हैं ना, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ जो है वो गन्ने का जूस पी सकते हैं? ये नेचुरल शुगर होती है इसमें, जैसे आप शुगर खाते हैं ना, तो शुगर में और गन्ने के जूस में थोड़ा फ़र्क रहता है, तो आप थोड़ा क्वांटिटी में ले सकते हैं। वैसे आप डॉक्टर से सलाह ले लें, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ले सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा मात्रा में ना लें, या आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद पी सकते हैं। एंड गाइस, ये किडनी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमको मेडिसिन लेना ही कंपलसरी है, तभी हम ठीक हो पाएंगे। बट बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं ना, ये खाने से भी बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। हाँ, लेकिन उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उनके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते। यस, तो ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, राइट? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं कि आप पानी ज़्यादा पियो तो स्टोन निकल जाएगा, और आप ये खाओ तो स्टोन निकल जाएगा, राइट? वो मेडिसिन देते हैं कुछ। तो गाइस, मैं आपको बोलूँगी आप गन्ने का जूस पियो तो आपका किडनी स्टोन भी टक से बाहर आएगा। बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब भी आप गन्ने का जूस पीते हैं तो पेशाब अच्छी मात्रा में आती है, राइट? जो पेशाब नली होती है उसमें जो इन्फेक्शन होता है, तो गन्ने का जूस अगर पीते हैं तो वो इन्फेक्शन भी ठीक होता है। जी हाँ, ये 100% सच है। अगर आपको झूठ लगता है तो आप आयुर्वेदिक जो भी बुक्स होती हैं आयुर्वेद की, आप उनको पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है ये। तो आपको पेशाब से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो भी किडनी स्टोन है वो भी बाहर निकल के अपने आप चला जाएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आपको बोलूँगी मैं कि ये पीलिया के मरीजों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, डॉक्टर्स भी बोलते हैं जिसको पीलिया हो जाता है उसको गन्ने का जूस पीना चाहिए। तो ये पीलिया के मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये पेट को ठंडक भी पहुँचाता है।
राइट। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो गन्ने का सेवन करना शुरू कर दें, और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है अगर आप गन्ने का जूस पीना स्टार्ट करते हैं तो। आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। डायबिटीज़ के लिए भी थोड़ा बहुत ठीक है, नॉर्मल अगर आप शुगर लेते हैं तो नॉर्मल शुगर आपको ज़्यादा हार्म पहुँचाती है, आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, और अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो हो गया, शुगर होती है उसमें, राइट, बट थोड़ा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियाँ तो ठीक हो जाती हैं हमारी हमारे खान पान से, पर हमारा नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं। आप खुद काउंट करो कि आपने ये पूरी गर्मी में कितने ग्लास गन्ने का जूस पिया होगा, आप सोचो ज़रा, क्योंकि आप इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं तो हर दूसरे या तीसरे दिन गन्ने का जूस पिएं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मतलब 15-15, 20-20 दिन, एक एक महीने हो जाता है गन्ने का जूस पीते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसके फ़ायदे के बारे में पता ही नहीं है, राइट। मैं सही बोल रही हूँ ना भाई? कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, ओके। आप लोग ऑलवेज़ बताते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, और अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से अपनी बातें शेयर करते हुए। बहुत सारे लोगों के तो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, और उनका उपाय भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो मेरे नॉलेज में है, जो 100% मैं श्योर होती हूँ कि ये चीज़ें ये ठीक होती हैं चीज़ें, वही मैं आप लोगों के सामने बोलती हूँ, कोई उड़न छू वाली बातें आप लोगों के सामने नहीं लाती हूँ। सो गाइस, और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और भी होता है कि जिसका वेट ज़्यादा है तो क्या वो गन्ने का जूस पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें शुगर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी मतलब मोटे लोग हैं जिनको अपना वेट लूज़ करना है, वेट कम करना है, वो गन्ने का जूस ना ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि, और अगर पिए भी तो आधा ग्लास, ज़्यादा ना पिए क्योंकि इससे वेट गेन होता है, वेट लूज़ नहीं होता है। तो अगर आप अपना वेट गेन नहीं करना चाहते हैं, आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो गन्ने का जूस ना पिए कृपया करके। और जो दुबले पतले लोग हैं मेरे जैसे, और जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, जो डेली वर्कआउट करते हैं, जो डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, वो डेफिनेटली पी सकते हैं, अगर वो उनकी हेल्थ मतलब कहना चाहिए कि उनका अगर वेट ज़्यादा भी है तो भी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, वो एक्सरसाइज अगर करते हैं तो पी सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनका वेट बढ़ेगा नहीं, ओके, कंट्रोल में रहेगा। सो आधा ग्लास तक पी सकते हैं, हुई ना ये मज़ेदार बात। तो ये गाइस बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है गन्ने का जो जूस होता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। आप भी नहीं जानते कि जो आसपास हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं, भाई गन्ने का किसी ने रोड के किनारे अगर ठेला लगाया हुआ है तो कितने लोग ऐसे हैं जो इग्नोर मार के चले जाते हैं, भाई मैं नहीं जाती, अगर मुझे गन्ने का जूस का ठेला मिलेगा तो मैं ज़रूर एक ग्लास पीती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं घर पे लेके आती हूँ और छील छील के खाती हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और कभी अगर मन हुआ कि पुदीना एंड लेमन ऐड करके पीना है जूस तो मार्केट में भी पी लेती हूँ, लेकिन मैं बर्फ़ कभी भी ऐड करवा के नहीं पीती हूँ। अगर आप बर्फ़ ऐड करवा के पीते हैं तो वो नुकसानदायक होता है, राइट। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि क्या गन्ने का रस फ़ायदेमंद होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन खाने या पीने का, गन्ना खा चबा चबा के जब आप खाते हैं तो उसका, और गन्ने का रस जब आप पीते हैं उसका एक अलग अलग फ़ायदा होता है, राइट। अब आपको कैसे खाना है, अगर आप गलत तरीके से खाएंगे, गलत तरीके से पिएंगे तो नुकसान तो करेगा, राइट। तो उसमें बर्फ़ ऐड करवा के आप लोग ना ही पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, किसको किसको जवां दिखना है, किसको किसको खूबसूरत दिखना है, ऑलवेज
तो गन्ने का रस ये काम भी करता है। जी हाँ, तो अगर आप भी खूबसूरत और जवां दिखना चाहते हैं ऑलवेज, तो गन्ने का रस ज़रूर से सेवन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है भाई, और आप लोगों की बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा दे देगा और आप ऑलवेज हेल्दी रहोगे और मुस्कुराओगे। सो गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही है, कल मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।